द प्रॉब्म्प्लॉमेंट स्टूडेंट्स हमने लास्ट मॉड्यूल्स में हमने बात की थी द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉमेंट एंड इन्फ्लेशन तो आज हम स्पेसिफिकली अन्प्लॉमेंट पर अलग से बात करेंगे और फिर नेक्स्ट uh, मॉड्यूल्स में हम इन्फ्लेशन पर अलग से बात करेंगे सो so, अनए्लॉमेंट के हवाले से पहले जो हम बात करना चाहते हैं वो ये कि वट इज़ दॉ ऑफ अनएम्प्लॉमेंट जो मोस्ट डायरेक्ट और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लॉस इन द आउटपुट फ्राम आइडर रिसोर्स कि जब आपके जो रिसोर्सिस वो प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं आएंगे लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो इसके नतीजे में क्या होगा कि उन्होंने जो प्रोड्यूस करना था ऑब्वियसली वो आप प्रोडक्शन को लूज़ कर देंगे सो दिस इज़ द डायरेक्ट कास्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कि आपकी जीडीपी कम हो जाएगी वर्कर्स लूज़ इनकम जो बेरोजगार हैं जाहिर है वो इनकम नहीं उन्हें मिलेगी सोसाइटी पेज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड मेक अप लॉस्ट टैक्स रेवेन्यू सोसाइटी की कॉस्ट उससे भी ज़्यादा है इस सेंस में एक तो ये कि वो जो इस सोसाइटी ने एज ए होल जो आउटपुट लेनी थी वो लूज़ कर दी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इसके अलावा उसकी कॉस्ट क्या है कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनको अनएम्प्लॉमेंट अलाउंस या कोई बेनिफिट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा सोसाइटी को देना पड़ेगा ये एक एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी उन्होंने जो टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करना था जो लोग बेरोज़गार हो गए तो वह जाहिर है अब टैक्सेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा यानी इसका यानी टैक्स रेवेन्यू भी कम हो रहा है और मज़ीद उस रेवेन्यू पर बोझ आ रहा है कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट कुछ बेनिफिट्स देना पड़ रहे हैं तो दिस इज द टोटल लॉस सो यूजिंग ओकंसला ईच परसेंटेज पॉइंट ऑफ सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एसोसिएटेड विद अ लॉस ऑफ टू परसेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ए फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इज थ्री हंड्रेड बिलियन पाकिस्तान के अगर हम एग्जाम्पल लें ये ओकन सलाह हम इससे पहले पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल के साथ शुरू के लेसन्स में कि अनएम्प्लायमेंट में जब एक परसेंटेज पॉइंट का इजाफ़ा होता है तो उससे अप्रॉक्सीमेटली आउटपुट में पोटेंशियल आउटपुट जो आपकी है फुल इंप्लायमेंट लेवल ऑफ आउटपुट उसमें टू परसेंट की कमी वाक़ी हो जाती है फॉर एग्जांपल अगर आपके जीडीपी का साइज़ थ्री हंड्रेड बिलियन है और अनएम्प्लॉमेंट रेट में वन परसेंटेज पॉइंट का इजाफा होता है तो उससे उसमें थ्री को आप यानी हर उस एक परसेंटेज पॉइंट के नतीजे में दो परसेंट जी कम हो जाती है सो थ्री हंड्रेड अगर जी है तो सिक्स बिलियन कम उसमें कमी वाकई हो जाएगी द लॉस ऑफ आउटपुट प्रिडिक्टेड बाई ओकन सला रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बट आल्सो अदर लेबर मार्केट चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग रिसेशन सच एज शॉर्टर वर्क वीक्स रिड्यूस्ड लेबर फोर्स पार्टिसपेशन लोअर प्रोडक्टिविटी ये बात हम बहुत डिटेल के साथ मॉड्यूल थर्टी फाइव में हम इसको ओकन सलाह में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि जब अनएम्प्लॉमेंट में इजाफ़ा होता है तो उससे एक तो डायरेक्ट ये कि जो लोग बेरोज़गार हैं वो काम नहीं कर रहे लेकिन उसके और जो बाकी भी उसके एसोसिएटेड इश्यूज़ हैं वो पैदा हो जाते हैं कि उसमें लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है ठीक है समटाइम्स लेबर फोर्स पार्टिसपेशन रेट कम हो जाता है रिसेशन्स में और इस तरह की तो वो उन सब का इम्पेक्ट uh, जो है उसके नतीजे में वन परसेंटेज पॉइंट उस इजाफे से अनएम्प्लॉमेंट में आउटपुट टू परसेंट कम हो जाती है सो द कास्ट ऑफ अनएप्लॉयमेंट पहले अभी तो हमने इकोनॉमिक कॉस्ट की बात की ना कि आप आउटपुट लूज़ कर रहे हैं उसके नतीजे में इसके अलावा और बहुत सारी एंगल से आप इसको देख सकते हैं पर्सनल आर साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी है वर्कर्स की उनकी फैमिलीज़ के लिए कि जो लोग बेरोज़गार हैं ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट इकनॉमिक इम्पेक्ट तो है ही उसके अलावा उसका उनके उनकी लाइफ पर स्ट्रेस में इजाफ़ा हो जाता है साइकोलॉजिकल बहुत सारे सोशल और इवन लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो जाते हैं जब इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है इस्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर दो विद लॉन्ग स्पेल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सो देर आर सम ऑफसेट ये तो हमने कॉस्ट की बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट के नतीजे में क्या उसके कॉस्ट क्या है लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पहला बेनिफिट क्या है कि अनएम्प्लॉमेंट लीड्स टू इंक्रीज जॉब सर्च एंड एक्वायरिंग न्यू स्किल्स विच मे लीड टू इंक्रीज फ्यूचर आउटपुट क्या अन्प्लॉयमेंट के नतीजे में जो लोग बेरोजगार हुए वो अब क्या करेंगे जॉब की तलाश करेंगे ठीक है उसके लिए अपने आप को वो रीस्किल करेंगे मैचिंग प्रोसेस होगा कि जिस किस्म के जॉब अवेलेबल हैं वो अपने आप को इंप्रूव करेंगे ताकि उसके लिए वो क्वालिफाई कर सकें तो इसके नतीजे में जाहिर है फ्यूचर में जब उनको जॉब मिलेगी तो दे विल बी मोर प्रोडक्टिव ये जिसका एक बेनिफिट आप सेकंड ये कि है कि अनएम्प्लॉमेंट वर्कर्स हैव इंक्रीज लेयर टाइम द मोस्ट वुड नॉट फील दैट द इंक्रीज लेयर कम्पनसेटेड दैम फॉर बींगम्प्लॉयड कि जो अनएप्लॉयड है बहरहाल ये कोई इतना अट्रैक्टिव उसका बेनिफिट तो नहीं नज़र आ रहा है कि दे हैव मोर लेयर सो ये बहर लेयर पॉजिटिव यूटिलिटी देती है इस कॉन्टेक्स में हम कह सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल विल नाट लाइक टू बी अनएम्प्लॉयड कि हम ज़्यादा लेयर इंजॉय करें सो एनी हाउ ये दो उसके आप पोटेंशल बेनिफिट्स आप कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान लोग अपने आप को फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर उसको स्किल देते हैं ट्रेनिंग लेते हैं और इसके नतीजे में मोर प्रोडक्टिव हो जाते हैं जिसके ये इसका एक पोटेंशियल बेनिफिट है थैंक यू